इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं केवल दो तीन तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए, वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं, वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक, उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में ये अनुभव लागू किया गया वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा।